हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 7 अप्रैल के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और साथ में सभी करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। करंट अफेयर के बाद हम लोग कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को भी रिवाइज करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। आज के इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, आप लिंक के थ्रू भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कक्षा 9 से श्रीमद् भगवद गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? तो अभी हिमाचल प्रदेश राज्य के शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह ठाकुर, और इन्होंने घोषणा की है कि अब हिमाचल प्रदेश में कक्षा 9 से श्रीमद् भगवद गीता को भी स्कूल के सिलेबस में शामिल कर लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। हिमाचल प्रदेश भारत का दूसरा राज्य बना है जिसने श्रीमद् भगवद गीता को स्कूल के सिलेबस में शामिल किया है। भारत का पहला राज्य कौन बना था? तो गुजरात भारत का पहला राज्य था जिसने अपने स्कूलों में श्रीमद् भगवद गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया था। अभी हिमाचल प्रदेश ने शामिल किया है, तो अब मैप में देख लीजिए हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है तो इंटरनेशनल बाउंड्री रखती है चाइना के साथ, और जो नेशनल बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल प्रदेश तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ। अब डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड लेटेस्ट करेंट अफेयर जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। भारत का पहला जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश के मंडी में बनाया गया। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा, यह योजना हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुई। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पहले क्वेश्चन से मिलती है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए जीएस कैरियर एकेडमी को, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने फ्रांस में आयोजित ऑर्लियंस मास्टर 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है? तो भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं मिथुन मंजूनाथ, और मिथुन मंजूनाथ ने ही फ्रांस में आयोजित हो रहे ऑर्लियंस मास्टर 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है। आप यहाँ इमेज में देख लीजिए, ये है मिथुन मंजूनाथ, और इन्होंने ही इस टूर्नामेंट में भारत के लिए रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अगला विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी किसको नियुक्त किया गया है? तो अभी भारत के अगले विदेश सचिव बनाए गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा अप्रैल 2022 के बाद भारत के नए विदेश सचिव होंगे। यह किसकी जगह लेंगे? तो प्रेजेंट टाइम में भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, और इनका रिटायरमेंट है अप्रैल के लास्ट में, और इनकी जगह लेंगे विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जो कि प्रेजेंट टाइम में नेपाल में भारत के राजदूत भी हैं, और अब अगले फॉरेन सेक्रेटरी बनाए गए हैं विनय मोहन क्वात्रा को। अब बात कर लेते हैं खबरों में रही चर्चित नियुक्तियों की। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया है अजय भूषण पांडे को। टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के नए अध्यक्ष बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह एक इंटरनेशनल संस्था है और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं भारत के टी राजा कुमार। राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है चंचल कुमार को। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं अभिषेक सिंह। तो ये कुछ प्रमुख नियुक्तियां थी जो अभी हाल फिलहाल में की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, और इन्होंने ही ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है।
इस पोर्टल से 900 सैटेलाइट टीवी चैनलों, 70 टेलीपोर्ट ऑपरेशन और 380 एफएम चैनलों को मदद मिलेगी और इसको अभी लॉन्च किया है भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपात स्थिति में पुलिस द्वारा लोगों की मदद के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावल उथबी ऐप को लॉन्च किया है? तो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, और एमके स्टालिन ने ही पुलिस द्वारा लोगों की मदद के लिए अपने राज्य में कावल उथबी ऐप को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं हाल ही में लॉन्च हुए ऐप्स एवं पोर्टलों की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। दिशांक ऐप को लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने, माय गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने, ई चिट्ठा पोर्टल और माय ईवी पोर्टल को लॉन्च किया है दिल्ली ने, अपना कांगड़ा ऐप इसको लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने, परख पोर्टल को लॉन्च किया है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने यानी AICTE ने, स्वराज विलती पोर्टल को लॉन्च किया है IIT हैदराबाद ने, किसान ऐप को लॉन्च किया है IIT रुड़की ने, क्विट टुबेको ऐप को लॉन्च किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि WHO का मुख्यालय कहां पर है और इसके हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम उपन्यास क्वीन ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो यह उपन्यास जो लिखी गई है रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर केंद्रित है, क्वीन ऑफ फायर इसका टाइटल है और इसको लिखा है देविका रंगाचारी ने। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पुस्तक एवं लेखक जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। एक बुक का टाइटल है ए सुइटेबल बॉय, इसको लिखा है विक्रम सेठ ने। इग्नाइटेड माइंड, इसको लिखा है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। इम्पोर्टेंट है आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको लिखा है मेघनाथ देसाई ने। डी जनरेशन ऑफ इंडिया, इसके लेखक है TN सेशन। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, इसको लिखा है डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। संसद के तीन दशक, इसको लिखा है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसको लिखा है अरुंधति रॉय ने। एक यह इम्पोर्टेंट बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके लेखक है महात्मा गांधी। कई बार यह अलग अलग एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? तो अभी दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर हॉबी हब स्थापित करने की योजना को शुरू किया है। अब यह हॉबी हब क्या है, तो जो स्कूल का टाइमिंग है उसके बाद जो छुट्टी का टाइम आता है उस समय जो बच्चों की अलग अलग हॉबीज होती हैं जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, उससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग है वह स्कूलों में प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसको शुरू किया है अभी दिल्ली सरकार ने। ये जो हॉबी हब को शुरू किया जाएगा तो ये उन स्कूलों में शुरू किया जाएगा जो स्कूलें ओनली एक शिफ्ट में चलती हैं। दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। पुतुल उत्सव को आयोजन अभी दिल्ली में हुआ है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को दिल्ली में बनाया जा रहा है। दिल्ली जो कि एक UT है, और दिल्ली के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, मनीष सिसोदिया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अनिल वैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अभी पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भंग कर दिया है और पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए गए हैं गुलजार अहमद। आप यहाँ इमेज में देख लीजिए, ये पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं और इनको ही अब पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए गए हैं गुलजार अहमद। तो मैप में देख लीजिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है, पाकिस्तानी रुपए। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी। और आरिफ अलवी ने ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को अभी भंग कर दिया है।
इस मैप से जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत और पाकिस्तान की जो डिवाइड करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। इसी तरह एक क्वेश्चन और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत और चाइना की जो डिवाइड करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में 160 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो अभी टाटा पावर सोलर ने राजस्थान राज्य में 160 मेगावाट की सौर परियोजना की शुरुआत की है, तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान में शुरू हुआ है तो मैप में देख लीजिए राजस्थान को। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अब बात करते हैं राजस्थान से रिलेटेड लेटेस्ट करंट अफेयर, सभी एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है। केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, यहीं पर अफ्रीका की बामो तकनीक के प्रयोग किया गया है। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया है। खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान को शुरू किया है। राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना भी शुरू की है। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए वैक टू वर्क योजना शुरू की गई है। ये वैक टू वर्क योजना क्या है? तो जो महिलाएं पहले जॉब में थी लेकिन शादी के बाद उनको जॉब छोड़ना पड़ा है, तो वापस वो फिर से किसी जॉब में जा सके, इसके लिए बैक टू वर्क योजना राजस्थान में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिथराई महोत्सव भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर में शुरू हुआ है? तो अभी चिथराई महोत्सव यह भारत के मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में है, वहां पर शुरू किया गया है। यह महोत्सव 12 दिवसीय है जो कि मीनाक्षी अम्मन मंदिर में मनाया जाएगा। चिथराई महोत्सव देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर की दिव्य शादी का प्रतीक है, जिसको अभी मीनाक्षी टेम्पल में मनाया जाएगा। और मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अब बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे प्रमुख महोत्सव। डोल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? पश्चिम बंगाल में। कचाई लमेन फेस्टिवल मनाया गया है मणिपुर में। तोरग्या महोत्सव को मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। हेरत महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को मेघालय में मनाया गया है। मेदराम जतारा महोत्सव को तेलंगाना में मनाया गया है। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ है। मरु महोत्सव को राजस्थान में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल 2022 का सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया है? तो केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी हैं पैट कमिंस। और पैट कमिंस ने ही अभी आईपीएल 2022 का सबसे तेज अर्धशतक मात्र 14 बॉलों में लगाया है, तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। आप यहां इमेज में देख लीजिए, ये है केकेआर के खिलाड़ी पैट कमिंस और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टीम के कैप्टन भी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में केकेआर और मुंबई इंडियंस के मैच में केकेआर की तरफ से 14 बॉलों में 50 रन बनाए हैं। फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर। अब बात करते हैं डेली स्टैटिक जीके के डोज को। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो यह राजस्थान में है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा से। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने भारत का पहला चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया था? अक्टूबर 2008 में। पहला भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। अब बात करते हैं नॉलेज बूस्टर को। इससे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वह आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा। वेटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? यह कबड्डी से संबंधित है। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। रोजर फेडरर किस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं?
टेनिस के। भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक 2008 में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? अभिनव बिंद्रा को। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? यह हॉकी से संबंधित है। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है फेड कप। वॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये तीनों शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हमने डिस्कस किए 7 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और साथ में डेली सेटिक जीके के डोज को जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ में इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद वंदे मातरम।